अपन कल स्प्रे करवा लेंगे, अभी तो चलते हैं, लेट्स गो। जूम करके दिखाता हूँ, ये जो काला काला दिख रहा है ना, ऊंट कटा से, ऊंट कटा से, हाँ सेजपुर के पास ऊंट कटा, केस लिया होगी, डॉक्टर साहब आएंगे, कितना पैसा लगेगा आता है। ठीक है सर, और इसका जो इंडिविजुअल वेट है वो लगभग क्विंटल है, यानी कि इस ट्रैक्टर से भी ज़्यादा हैवी है। इंसेन जान दे जान दे जान दे। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू ब्लॉग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो मैंने लास्ट ब्लॉग में बोल दिया था कि अब शायद कोई भी ब्लॉग ना आए, बट आप लोगों ने काफ़ी सारे कमेंट किए और कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया था कि भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तो ब्लॉग चाहिए। चलो मैं अपना 100% ट्राई करूँगा कि जब तक ब्लॉग आ पा रहे हैं तब तक मैं डालूँगा ही। तो अभी मैं आया हूँ अपने खेत पर और सबसे पहले मैं जा रहा हूँ अपने गेहूं को देखने के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे अपन ने लास्ट टाइम कचड़ा नाशक का स्प्रे किया था। तो चलो देख के आते हैं कि कैसा क्या रिस्पॉन्स है। लगभग 5-6 दिन पहले अपन ने यहाँ पे कचड़ा नाशक का स्प्रे किया था, कोई साइड इफ़ेक्ट वगैरह तो नहीं हुआ है। चलो उसको चेक करके आते हैं और इसके बाद हमें अपने एक खेत में कल्टीवेशन का काम करना है। तो जो अपना कल्टीवेटर है उसको रेडी करना पड़ेगा, उसके बाद कल्टीवेटर अटैच करके हमें कल्टीवेशन का काम करना है और उसके बाद भी काफ़ी सारे काम है। तो सबसे पहले गेहूं की कंडीशन चेक करते हैं। और गेहूं की कंडीशन एक नंबर बिंदास है। तो चलो अब चलते हैं और कल्टीवेटर अटैच करते हैं। और अभी मैं लेके आऊँ अपने न्यू हॉलैंड को, बिकॉज सोनाली का मैं स्प्रे वाली टंकी अटैच थी तो मैंने सोचा काय को उसको खोलें, स्प्रे में ही काम लेंगे उसको। पाइप खोलना पड़ेगा दिखे, चलो यहीं से खोल लेते हैं। सबसे अच्छे पाइप मुझे यही लगते हैं सी क्लैंप वाले, जो लॉक वाले पाइप हैं अपने पास वो काफ़ी ज़्यादा बेकार हैं, खोलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। चलो अब चलते हैं, जो अपना कल्टीवेटर है वो पूरा का पूरा खोला डाला है तो उसके लिए रेडी करना पड़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त का काम है। तो फिलहाल जो अपना कल्टीवेटर है उसकी इस टाइप की कंडीशन है। सबसे पहले हमें ये रेजर खोलनी पड़ेगी, जो ये सीडर टाइप का है इसको खोलना पड़ेगा। उसके बाद ये जो कल्टीवेटर की टाइल्स हैं इनको अटैच करना पड़ेगा। तो चलो सबसे पहले इनको खोलते हैं, फिर टाइल्स वगैरह अटैच करेंगे। ऑल सेट इसको रेडी तो कर लिया है,
ऑल सेट। कल्टीवेटर में नए नट डाल लिए हैं और कटने लिए यहाँ पे कल्टीवेशन का काम करना है, करते हैं कल्टीवेशन का काम। और हमें यहाँ पे टमाटर की प्लांटेशन करनी है, जो नर्सरी है वो तैयार हो गई है, बस कल्टीवेट करके थोड़े बहुत बेड बनाने हैं। वैसे गर्मियों वाला टमाटर है तो बेड बनाने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, अगर डैडी बोलेंगे तो अपन बेड बना देंगे, अदरवाइज नो नीड। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा गीला है और मैं चला रहा हूँ ऑल सेट। अपन ने कल्टीवेटर खोल दिया है, अब अपन ये वाला थ्रेसर घर पे लेके चलते हैं। ऑल सेट, तो अपन ने कल्टीवेटर खोल दिया है और अब अपन इस राजस्थानी थ्रेसर को अटैच कर रहे हैं, बिकॉज इसके जो फैन वेल्ट हैं वो चेंज होने हैं और इसमें क्रास नए डालने हैं, और जहाँ जहाँ पे भी जो भी दिक्कत होगी अपन उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, बिकॉज अभी अपन थोड़े फ्री हैं। अदरवाइज़ जब काम वगैरह लग जाते हैं तो फिर अपन अपने थ्रेसर वगैरह पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। अपन ने बारिश के टाइम पर अपना ये वाला थ्रेसर ठीक किया था और वो विजय वाला ठीक किया था और उसको पेंट किया था और उसके जो जो दिक्कत थी उसको सॉर्ट आउट की थी। अब इसकी बारी है और ये जाली वगैरह चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ पे ऑयल वगैरह डलता है तो ऑयल वगैरह चेंज कर देंगे। ये जो थ्रेसर है ना, गेहूं के मामले में अगर कोई दूसरा थ्रेसर रहेगा तो वो 3 घंटे लगाएगा और 1 घंटे लगाएगा, तो इसको रेडी कर लेते हैं। इससे अपन अभी पहले राहर की थ्रेसिंग करेंगे, उसके बाद गेहूँ की थ्रेसिंग करेंगे। और इसका जो इंडिविजुअल वेट है वो लगभग 25 से 26 क्विंटल है, यानी कि इस ट्रैक्टर से भी ज़्यादा हैवी है। और अभी मुझे एक यहाँ पे रिवर्स करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जा रही थी, ये जल्दी अड़ जाता है, अपन अगर अपन रिवर्स कटिंग में इसको थोड़ा सा ही काटना चाहें तो ये यहाँ पे फंस जाता है, बिकॉज इसमें जो ट्रैक्टर है इसमें स्ट्रेट एक्सल नहीं है, इसमें जो हब वाला एक्सल है। एक कुछ हद तक तो फ़ायदेमंद है लेकिन घाटे ज़्यादा रहते हैं। जब भी ट्रॉली को रिवर्स करता हूँ तो थोड़ी सी जैसी ट्रॉली काटी अपन ने और वो फिर से फंसने लगता है, तो कंपनी से रिक्वेस्ट है कि इसमें भी सीधा ही एक्सल दो, काय को फालतू में ड्रम वगैरह बना रहे हो। सन 2012 का मॉडल है और जो अभी मॉडल आ रहे हैं उनमें भी यही दिक्कत बना के दे रहे हैं, यानी कि हब बना के दे रहे हैं, तो सीधा एक्सल बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। ये हिच काफ़ी ज़्यादा अंदर को चली जाती है, तो अपन थोड़ी सी कटिंग करो इस ट्रैक्टर में और जो टायर रहता है वो यहाँ पर लगने लगता है। तो आज हमें यहाँ पे स्प्रे करना है और यहाँ पे आज तक ट्रैक्टर से स्प्रे हुआ नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत जा रही है, कहाँ से ट्रैक्टर लेके आएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। अगर बीच में से ट्रैक्टर घुसाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा राहर का नुकसान होगा, तो अपन वो नहीं चाहते कि राहर वगैरह का नुकसान हो, तो मैं दिमाग लगा रहा हूँ कि यहाँ से ट्रैक्टर लेके आऊँ या फिर वहाँ से लेके जाएँ, बिकॉज रास्ता यहाँ पर कहीं पर है नहीं, पूरे के पूरे में राहर 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 है। तो मैं पूरे खेत का एक वॉक अराउंड ले रहा हूँ और करेक्ट स्पॉट देख रहा हूँ कि कहाँ से ट्रैक्टर अंदर डालना सही रहेगा। क्या टेंशन है,
और दसो क्वालिटी कैसी है? इनसेन। और गज्जू भाई की हाल चाल? तो एट लास्ट अपन को ट्रैक्टर को अंदर लाना ही पड़ा और अपन खेत के अंदर ट्रैक्टर लेके आ चुके हैं और स्प्रे द काम चल रहा है। रहर तो ये वाली है, एक नंबर जमाई बिंदास। आई डोंट नो कौन सी वैरायटी है बट है बहुत बढ़िया। ऑल सेट, स्प्रे का काम चला है, जमाई मारो मार। अब यहाँ पे स्प्रे करने के बाद अपन चलेंगे वापस घर पे। कहाँ कहाँ पे आ रहा है जी? एक हमारे मित्रों को रोग है। कहाँ पे, कौन सी जगह पे? जिला कि जो हमारे मुकेश भाई हैं, गुप्त रोग है। गुप्त रोग कसो इलाज है? हाँ तो गुप्त रोग दिखवा रहे हैं हमारे मित्र को है बहुत। मुकेश यादव। ऊंट कटा से है ऊंट कटा से ऊंट कटा से हाँ सेठपुर के पास ऊंट कटा। कहाँ पर आना है? कहाँ पर आना है? कहाँ केस ली, केस लिया होगी? आप ही करोगी क्यों? केस लिया होगी? आप ही करोगी क्या? तेज आप ही आओगी गाड़ी लेके? नहीं सर, आप कर दोगे हमारे क्या? जो हम मुकेश भाई के चेक कर दोगी? डॉक्टर साहब आएंगे? कितना पैसा लगेगा? आप आ जाना। ₹300 जी हम आपको जैसे आप बजा उसका चेकअप करने वो आ नहीं पाता है। जैसे आप क्योंकि वो आ नहीं पाता खेत में रहता है तो आप आ जाओ तो उससे अच्छा। जो लिंक, लिंक खराब हो गई क्यों मैडम? तो अभी अभी अपन आए स्प्रे करके और अभी मैं आया उस खेत को देखने के लिए कहीं इस खेत में कोई माहू की समस्या तो नहीं है। तो चलो चेक करके आते हैं बिकॉज इस स्टेज पे माहू की समस्या काफ़ी ज़्यादा आती है, काफ़ी लोग म्याऊ बोलते हैं। ऑल सेट, तो ऐसी गाइस कैन सी, देखो यहाँ पे मे बी आपको दिख रहा हो, जूम करके दिखाता हूँ। ये जो काला काला दिख रहा है ना, ये है माहू, काला माहू देख सकते हो। एक रस चूसक कीट है जो कि आपकी मसूर की फसल में काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है और यहाँ पे तो ये पहुंचा ही रहा है। तो ये अभी आप देख लो फ्लावरिंग स्टेज है और काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अगर इस माहू पे नियंत्रण नहीं किया गया तो समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। देखो काफ़ी ज़्यादा तादाद में है यहाँ पे। तो ऑल सेट, पूरे के पूरे खेत का एक वॉक राउंड लेने के बाद अपने लिए ये पता चला है कि जो अपना खेत है उसमें माहू की समस्या जा रही है और जो अपने प्लांट हैं वो डायरेक्टली सूख रहे हैं। तो हमें दो चीज़ का स्प्रे करवाना पड़ेगा, एक तो कीटनाशक, दूसरा फंगीसाइड, ताकि जो माहू है वो भी मर जाए और उसके साथ साथ जो जड़ गलन की समस्या है, प्लांट सूख रहे हैं। लेट मी शो यू, कुछ इस टाइप से प्लांट सूख रहे हैं। देखो कुछ इस टाइप से प्लांट सूख रहे हैं तो अपने लिए इनको भी ठीक करना पड़ेगा। माहू बेसिकली तीन टाइप का होता है, एक काला, एक हरा और एक येल्लो सा रहता है। तो अपने में जो है वो काला माहू और जो हरा रहता है वो तो दिखता ही नहीं है पत्ते के कारण, में कुछ वैसे ही पत्ते का कलर रहता है वैसे ही उसका। ऑल सेट, तो अब चलते हैं घर पे और यहाँ पे कल ही स्प्रे करवाना पड़ेगा अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। तो अपन कल स्प्रे करवा लेंगे, अभी तो चलते हैं, लेट्स गो।